जब ये सब कुछ आप कर चुके होंगे तो उसके बाद एक जो मेजर काम रह जाता है वो है ऑनगोइंग मेंटेनेंस ऑफ द रेपो दैट यू हैव बिल्ट, यानी कि जो आपने रेपुटेशन बनाई है उसको मेंटेन भी करना है आपने। वो मेंटेनेंस कैसे होगी? अव्वल तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी प्रोडक्ट है, यानी कि आपकी ऐप या गेम जो भी आपने प्ले स्टोर पर डाली है वो कितनी अच्छी है। अगर वो अच्छी है तो लोग ऑटोमेटिकली आपको रिव्यूज़ अच्छे देंगे, आपकी तारीफ़ें करेंगे, सो उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन चूँकि आप सिर्फ मार्केटिंग के हद से देख रहे होंगे, आप सिर्फ सर्च इंजन या ASO की हद तक देख रहे होंगे, तो वो कंट्रोल में नहीं होगी आपके क्या प्रोडक्ट के अंदर क्या जा रहा है, वो ऐप क्या क्या कैसी बनी है, वो क्या बनी है। आप यकीनन अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं क्लाइंट के साथ, और या अपनी अपनी अगर गेम है तो आप उसमें यकीनन चेंजेस भी करवा सकेंगे। लेकिन मेक श्योर ये करें कि रिव्यूज़ आपने लेने हैं और अच्छे रिव्यूज़ लेने हैं। तो अपनी ऐप के अंदर मैकेनिज़म बनाएं कि लोग अगर वो अच्छा एक्सपीरियंस जा रहे हैं हर पाँचवीं स्क्रीन या दसवीं स्क्रीन के बाद या तकरीबन 15-20 मिनट के एंगेजमेंट के बाद आप उनको एक पॉपअप दिखाएं जिसमें उनसे आप पूछें कि वो खुश हैं या नहीं हैं। अगर वो कहे कि मैंने मतलब उसमें आप ये लाजमी ऑप्शन दें कि क्या वो उसको अभी रिव्यू देना चाहता है, वो बाद में रिव्यू देना चाहता है, या वो रिव्यू नहीं देना चाहता। ये तीन ऑप्शन आपने उसको लाजमी देनी है, क्योंकि अगर आप उसको ये बार बार दिखाएंगे तो वो अनॉय हो जाएगा, और वह जब रिव्यू छोड़ेगा अनॉय होने के बाद वो गंदा रिव्यू होगा। तो उसको आप तंग मत करें, रेटिंग लेना अच्छी बात है और रेटिंग आपके एल्गोरिदम में हेल्पफुल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी रेटिंग्स कितनी हैं और उसकी क्या वैल्यू है, ये आपके ओवरऑल ऐप के रैंकिंग फैक्टर में काउंट होती है, और गूगल इसको एज एन अथॉरिटी समझता है कि भाई ये ऐप इतनी अच्छी है तो उसकी अथॉरिटी जो है ज़्यादा है तो उसको मैं ऊपर रैंक करूँ। सो लेकिन ये अगेन जिस तरह से SEO में हमने 200+ फैक्टर्स पढ़े थे, ये मैं फैक्टर्स बता रहा हूँ आपको, और इन फैक्टर्स को एग्रीगेट करके गूगल एक स्कोर बनाता है जो प्ले स्टोर की बात हो रही है, ताकि वो उसके मुताबिक एक स्कोर के मुताबिक आपको रैंक करें। इसमें एक फैक्टर या दूसरे फैक्टर की कम होने से ज़रूरी नहीं है कि पूरा स्कोर कम हो जाए, हाँ उसमें इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। कोशिश करें कि आप सबका मिला कर जो एग्रीगेट स्कोर है वो इंक्रीज़ करें और कोई चीज़ मिसिंग ना रहने दें। उनमें रेटिंग्स और रैंकिंग्स जो हैं ये काफ़ी मैटर करती हैं। तो आपने रेटिंग लेनी है, यूज़र से उसको रिक्वेस्ट करें, पोलाइटली रिक्वेस्ट करें। वो अगर एक दफ़ा वो नहीं अलाउ करता तो आप उसको दो हफ़्ते ना दिखाएं, दो हफ़्ते बाद आप अभी भी वो एंगेज्ड है तो आप उसको फिर एक पॉपअप दिखा दें। अभी सारी चीज़ें आपने डेवलपर से बैठ के करवानी है, क्योंकि डेवलपर कोई आइडिया नहीं है कि इसकी क्या अहमियत है और इसकी वजह से हमारी गेम ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, या हमारी ऐप ऊपर या नीचे, या इंस्टॉलेशन बढ़ेंगी उसकी। तो अल्टीमेटली आपने गाइड करना है कि भाई मार्केटिंग के लिए हमें उनको जो है एजुकेट करना है कि अगर वो खुश हैं तो वो आके हमें 5-स्टार रेटिंग दें। हो सकता है अगर आप वैसे गूगल की पॉलिसी के मुताबिक आएगा कि आप रिवॉर्ड नहीं कर सकते ना ही आप 5-स्टार रेटिंग मांग सकते हैं। आप रेटिंग मांग सकते हैं लेकिन 5-स्टार नहीं। आप यूज़र को ये कह सकते हैं कि हमें रेट करें, वो वहाँ तक जायज़ है। आप ये नहीं कह सकते कि हमें 5-स्टार रेट करें, तो गूगल मना करते हैं इस बात को। इसी तरह से iOS की भी यही इशूज़ होंगे। लेकिन अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम आती है अक्सर रेटिंग में, लोग एक तो फेक रेटिंग्स करवाना शुरू कर देते हैं। चैलेंज ये है कि गूगल को ये सब कुछ पता होता है ऑलरेडी कि भाई ये अकाउंट कितना एक्टिव है, उसने कितने लोगों को रेटिंग किया, ये कितना नेचुरल अकाउंट है, क्योंकि आपका नेचुरल अकाउंट है, आप ईमेल भी कर रहे हैं, आप अपना लॉगिन भी कर रहे हैं, आप बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं, गूगल आपको हर जगह से ट्रैक कर रहा है। अगर आप फेक रिव्यूज़ लेंगे, वो जिन अकाउंट से रिव्यूज़ आते हैं वो फेक अकाउंट होते हैं, वो फेक अकाउंट सिर्फ रिव्यूज़ के लिए बनाए हुए होते हैं, थोड़ी देर रिव्यूज़ आते हैं उसके बाद उनको वो कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं और वो एक्चुअल यूज़र तो होते नहीं हैं। उन फेक रिव्यूज़ से ये नुकसान होता है कि आपकी पूरी की पूरी ऐप वो जो है उसको नुकसान हो सकता है। तो अल्टीमेटली मेक श्योर करें कि आप जेन्युइनली यूज़र को एक्सपीरियंस दें, प्रोडक्ट अच्छी होगी, रिव्यू अच्छा आएगा तो आपकी रेटिंग्स ऊपर जाएंगी, रेटिंग्स ऊपर जाएंगी तो उससे ये होगा कि अल्टीमेटली आपका पूरा जो है वो एक इंस्टॉलेशन में इफ़ेक्ट आएगा कि अल्टीमेटली वो ग्रो करने लग जाएंगे। सो जहाँ पर आपके 100 इंस्टॉलेशन आ रही थी, आपकी रेटिंग या वो रैंकिंग हाई हुई है, वहाँ डेली की आपकी 500 आना शुरू हो जाएंगी। तो रेटिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, यूज़र को किसी तरह से कंपनसेट कर सकते हैं आप तो करें, डिपेंडिंग ऑन के पॉलिसीज़ के हैं, लेकिन उसको अनॉय मत करें और रिव्यूज़ के पीछे ग्रीडी मत हो जाएं कि हमें रिव्यू चाहिए। हर जब भी मैं स्क्रीन आपकी मतलब आपकी गेम अगर कोई भी यूज़र देखे, जैसे ही लॉगिन करे उसको एक रिव्यू की विंडो आ जाए, वो बड़ा एक एक्सपीरियंस डिस्टर्ब करने वाली बात है, उसको ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन हाँ, रिव्यूज़ हमें लाजमी चाहिए, और रिव्यूज़ अगर हमें अच्छे मिलेंगे तो हम ऊपर जो है रैंक भी करेंगे। तो इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब आपको रिव्यूज़ मिलते हैं उस पर यूज़र जो लिखता है वो लिखने के अंदर जो कीवर्ड यूज़ होते हैं गूगल उसको भी नोट करता है कि इसने कौन से कीवर्ड यूज़ किए हैं। तो ये एक और मैट्रिक है कि
यूज़र क्या लिख रहा है उसके अगेंस्ट हम किस पे रैंक करेंगे। तो आप अब आपके कंट्रोल में ये तो नहीं होता ना कि आपके यूज़र ने क्या लिखा और आप उसको बताएंगे भाई आपने ये लिखना है, वो तो अपनी मर्ज़ी से लिखेगा। लेकिन कोशिश ये करें कि अगर वो कुछ लिख रहा है तो आप अगर वो ऐसी बातें लिख रहे हैं कि जो आपके कीवर्ड से रिलेटेड हैं तो आप यकीनन आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। एनी वेज ये सारी चीज़ें मिल के एक एग्रीगेट रेटिंग बनाती हैं। मैंने आपको काफ़ी हद तक फैक्टर्स बताए हैं, इनको आप फोकस करके अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी अच्छी ASO हो जाएगी। लेकिन ASO इसके अलावा भी डीप डाइव आप कर सकते हैं, मज़ीद पढ़ सकते हैं, रिसर्च करें, और जो प्रॉब्लम्स नहीं आती वो हमारे फेसबुक के फोरम में आप बात कर सकते हैं, उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं कि मज़ीद इसमें कैसे करना है, या आप हमारी सपोर्ट टीम से आप बात कर सकते हैं कि अगर कोई आपको हेल्प चाहिए। कंटेंट से रिलेटेड आपको हेल्प फोरम में मिलेगी, बाकी जो चीज़ें हैं उसकी हेल्प आपको डीजी स्किल्स की टीम से भी मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको अभी तक ASO की समझ आई होगी। मैं मज़ीद आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा इसके, और वो भी आपको इंशाल्लाह हेल्प करेंगी।